जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको कोई रोग है, कोई लंबी बीमारी है, उसका अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है और वो बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत तकलीफ भरी जिंदगी वो व्यक्ति अगर जी रहा है, उसे बहुत कष्ट हो रहा है, तो ये प्रयोग आपको करना है। अब आपको करना ये है कि 7 धतूरे लेकर आए, 6 धतूरे के ऊपर हल्दी लगाएं और 1 धतूरे के ऊपर मौली लपेटकर महादेव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। जिस धतूरे के ऊपर मौली लपेट रखी है वो शिवलिंग पर चढ़ाएं और 1 धतूरा शिवलिंग के ऊपर जहां गणेश जी का स्थान है वहां चढ़ाएं, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाएं और तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएं। उसके बाद 1 धतूरा जगदम्बा माँ के हस्त कमल पर चढ़ाएं, 1 धतूरा जहां जल नीचे की ओर जाकर गिरता है वहां चढ़ाएं और वो धतूरा वापिस लेकर आए। चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को बीमार व्यक्ति के हाथ में देकर या बीमार व्यक्ति का स्पर्श करवाकर बेलपत्र के नीचे छोड़ आए। अब आप देखोगे कि थोड़े समय बाद ही उस व्यक्ति की सेहत में बदलाव देखने को मिलेंगे। ये उपाय करने से पहले आपको अपने प्रभु पर विश्वास जरूर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बिना मन पूजा पाठ किए जा रहे हैं और फिर कहेंगे कि हमें तो कोई फायदा मिल ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। यदि आपको अपने प्रभु पर विश्वास है, आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, तो ऐसा कोई रोग नहीं है जो प्रभु की कृपा से दूर ना हो। बस आपको अपने प्रभु के ऊपर विश्वास होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। ये उपाय आप करके देखना, आपको थोड़े ही दिनों में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो। दोस्तों, हमारी आपके प्रति यही दुआ है, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो और भक्ति की शक्ति आपके जीवन में बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।